खजूर पर ही रोजा खोलना पड़ेगा। रख दिया है। लगता है इफ्तार तक आज नहीं बच सकेगी। इसका निकनेम रिवील हो गया। सो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद रख रहे होंगे कि आप भी रोज़े रख रहे हैं और हम भी माशाल्लाह से हमने भी सभी रोज़े रखे हैं। तो चलें गाइस, अभी सहरी का टाइम हो गया है तो अभी हम जाएंगे कहाँ? किचन में, देखें वहाँ क्या हो रहा है। तो फिर सहरी करनी है और आज 1 घंटा बचा है सहरी में और अभी हमें जो है सारा किचन का क्या होता है कुकिंग जो भी होती है, रोटी और जो आलू फ्राई करने और कबाब बनाने, तो वो सारे अभी जल्दी में 1 घंटे में ही करने और खाना भी है क्योंकि आज़ान आ जाएगी। तो फिर सारा दिन हम क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। तो चलें गाइस चलते हैं, क्या हो रहा है किचन में। यहाँ पर जो है किचन में वो आलू फ्राई हो रहे हैं, रोटियां जो हैं वो 3 बन गई है ना, 3 बाकी बना रही है सुम्बल और ये शोमो जो है वो आलू फ्राई कर रही है और मेरे कबाब पड़ गए यहाँ पर, मैंने जो धो रखी गई थी तो कबाब यहाँ पर रखी गई थी। अभी बचा है 1/2 घंटा जिसमें मैं आलू भी फ्राई करनी है जल्दी जल्दी और रोटियाँ भी बनानी। तो चले गाइस जब तक हम ये काम कर ले फिर खा लें उसके बाद फिर कल हम आपसे मिलेंगे किस टाइम? इफ्तार टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी इफ्तार का टाइम है और हम इफ्तार बनाएंगे, तैयारी कर रहे हैं और आज का मेन्यू है चिकन ब्रेड और चिकन कोफ्ते मैंने बना दिए हैं, नगेट्स भी बोल सकते हैं आप उसे, और उसके अलावा फ्राइज हैं और क्या है, फ्रूट है बस एंड समोसे। हाँ और समोसे, बस ये है आज का हमारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है आज का हमारा मेन्यू इफ्तार का। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और आप लोगों की दुआओं की वजह से हम भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के साथ चलो चलते हैं किचन में, तैयारियां देखते हैं तैयारियां। तो चलो आप चलो तो हम पीछे पीछे आते हैं आपके। तो गाइज ये चिकन का मसाला तैयार हो गया है, अब हम इसे डालेंगे तेल में, ऑयल में। यहाँ पर देखें ये क्या हो रहा है, चलो हटो हाथ हटाओ, ये कबाब बन रहे हैं। तो ये देखें ये हमने क्या है, ये कबाबों का मसाला, एक तो कबाब, ज्यादा तो कबाबों का जो बोल सकती हो वो। देखो चिकन जल रहा है, तो ये देखें ये चिकन जो है वो जल रहा है, ये जला हुआ जो है वो सुंबल खाती है। ये ब्रेड क्रम्स इसमें डालूं? तो ये देखें मुझे देना, ये ब्रेड क्रम्स जी जी बिल्कुल आपको ही दूंगी। तो चलो मैं छोड़ो तो के दिल का राज प्यार और एहसास वो है कबाब। वाह 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 वाह। तो ये देखिए कितने प्यारे से हैं ये कबाब, ये सारे बनेंगे कबाब। ये देखिए ये जो है कोफ्ते वो तैयार हो गए हैं और यहाँ पर जो है चिकन ब्रेड का मसाला भी तैयार हो गया है। ये आटा है तो ये शुमो कर रही है और ये फ्रूट जो है ये बना रही है, काट रही है yes। और मैं फ्राइज बनाऊंगी आज। मैं आओ ये देखें ये जो है कोफ्ते वो तैयार हो गए हैं और यहाँ पर जो है चिकन ब्रेड का मसाला भी तैयार हो गया है। ये आटा है तो ये शुमो कर रही है और ये फ्रूट जो है ये बना रही है, काट रही है yes। और मैं फ्राइज बनाऊंगी आज। मैं आओ तो ये देखें यहाँ पर ब्रेड बन रही है हमारी, तो मुश्किल है
ये देखें, ये इतनी इतनी सी मोटी मोटी सी देखने अभी आप ना, तो ये हाथ नहीं लगाने देती पता नहीं क्यों, ये कहती है हटो इधर से, ये मेरा इलाका है। तो यही चीज होती है, कौन अब क्या करेंगे हम। तो ये देखें, ये इसको काट रही है, तो ये काट दिया तो ये काट लिया, और ये मायोनीज तो हम मायोनीज डालेंगे अभी। मायोनीज कहते हैं मायोनीज, तो ऐसे चुटकी बजा के ना ये मायोनीज हो जाएगी, और उसके बाद फिर क्या आएगा इसका फिलिंग जो इसके अंदर हम करेंगे अभी। वाओ, तो ये दिखा दिए, कितनी बार दिखाओगी और जितनी। तो ये देखें खुशबू जो है वो कर रही है अभी इसके अंदर फ्लिंग। सो टेस्टी, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ये देख सकते हैं ये कितना अच्छे से हमने जो है वो कीमा रख दिया है। तो ये देखें, ये शुमो जो है वो बना रही है, यार ये कितना टेस्टी लग रहा है, ये इतना टेस्टी क्यों लग रहा है आप बताएं। पता नहीं क्योंकि शुमाइला ने बनाया है। तो ये देखें, ये है मेरी मोटो, तो ये लड़की है मेरी मोटो, मेरी मोटो मोटो हो गई हूं फिर भी नहीं। ये देखें मोटी मोटी, ये मेरी मोटी मोटी बहन है, और मैं इसकी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बहन हूँ, और ये हमारी पतलू सी बड़ी सी बहन है, दिखने में मासूम बहन है। हाँ, ये देखें, ये दुपट्टा ऊपर करो, तो ये देखें ये कर लिया है, ये देखें ये अब मुझे कह रही है नक्कर, मतलब मत करो। तो ये ऐसे ही हम सारा ये करते जाएंगे। तो ये देखिए तैयार हो गया है, और कितना यम्मी लग रहा है। तो ये देखें अभी हम इसको क्या देंगे, स्टीम देंगे। स्टीम कैसे दें, ये होगा ही नहीं। तो चलो क्या करें, हम सोच रहे हैं। तो ये देखें, ये देखने में कितना यम लग रहा है, और ये बस इसके हाथों का कमाल है, प्यारे प्यारे हाथ, और जो मैं खड़ी हुई हूँ उसका भी कमाल है, हम दोनों का। तो चले हम पहले सोच लें कि अब इसके ऊपर क्या देना है हमें। यार तुम क्या कर रही हो? तो मैं जो है वो बना रही हूँ पापड़ियाँ। तुम्हें किसने बोला आप पापड़ियाँ बनाओ? मुझे शुमो ने कहा था। अच्छा, उसके बाद सुना है आज तुम फ्राइज बनाने वाली हो? जी। किसकी फरमाइश पर? तो ये है पूरे घर की फरमाइश। सर बहुत अच्छे फ्राइज बनाती हैं, इसीलिए हमने सोचा सुंबल को इस जॉब से रिटायर करते हैं और सहर को क्या जॉब पे लाते हैं। तो सहर यहाँ पर तैयारियां करते हुए, सहर के फेस का ग्लो आप लोग देख सकते हैं, इससे मजा आता है काम करते हुए, और सुंबल यहाँ पर फ्राइज को मसाला लगा रही है, मसाला लगा रही हैं, जैसे कि सबको मस्के लगाती है सिप्पी, हम इसे सिप्पी बोल रहे हैं। इसका निकनेम रिवील हो गया। सो सर तुम क्या बोलना चाहती हो? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। सिप्पी कितना, हाँ जिसको जो अच्छा लगे वो, इसको सिर्फ सिप्पी हम फैमिली वाले बोल सकते हैं ना। यस, और यूट्यूब वाले भी तो फैमिली हुई ना हमारी जी, तो फिर वो भी बोल सकते हैं आपको सिप्पी। बिल्कुल, ये कितना प्यारा नेम है आपका सिप्पी। मुझे ये अपने दोनों नाम पसंद है। तो जो भी बुलाओ प्यार से। तो सिप्पी किसने रखा है? तो ये मेरे पापा ने रखा था। अच्छा गाइस, अभी थोड़ा टाइम बचा है इफ्तार में, और हो गई है बहुत सारी चीजें पड़ी है अभी बनाने को। तो फ्राइज भी अभी नहीं की ना, अभी ब्रेड सही से बनी है, उसमें भी 20 मिनट्स लगेंगे। नगेट्स भी फ्राई नहीं किए हमने, और बस फ्रूट चाट बना के रख दिए हैं। तो अभी बहुत टाइम है, और बहुत टाइम में ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, कवर करनी है, सारी बनानी है। तो ये देखें, ये
सुंबल जो है तो उसको मैंने कहा कि तुम ये थोड़ा बहुत काम करो। तो तब तक मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमें हो गई हैं बहुत सारी लेट, तो चले मैं भी जाकर थोड़ा बहुत काम कर लूं, क्योंकि ऐसे फिर इफ्तार का टाइम ना हो जाए, तब फिर आपसे इफ्तार टाइम मिलते हैं हम। यहाँ पर शुमोन नगेट्स बना रही हैं और तीन बन गए हैं और बाकी बना रही हैं, और मुझे सर को फ्राइज बनानी है लेकिन और जगह है ही नहीं तो कहाँ पर बनाएं। तो जी हमारे नगेट्स बन रहे हैं, बन गए हैं, फिर मुँह फ्राई कर रही हैं और अब हम इसको क्या कह रहे हैं, चिकन नाम क्या है, चिकन ब्रेड, चिकन ब्रेड वो देखते हैं पक गई है या नहीं। चल तो नहीं लगता है इफ्तार तक आज नहीं बन सकी, नहीं बन सकी। A few moments later. यार आज हमारे हमें बहुत ज्यादा देर हो गई है, इसलिए हमें नहीं लगता कि हम आज इफ्तार कर पाएंगे। इफ्तार में 20 मिनट बचे और हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं, बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं, एक भी चीज हमारी। आज खजूर पर ही रोजा खोलना पड़ेगा और जामी शीरीन पर रोजा छोड़ कर फिर नमाज पढ़ कर फिर हमें लगता है खाना मिलेगा खाने को, क्योंकि बहुत देर हो गई है, अभी कुछ 10 मिनट ही बचे हैं इफ्तार में। ओके गाइज, अभी हमारे सिर्फ नगेट्स एंड समोसे हो गए हैं एंड जामे शीरन, बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी तक नहीं हुई, वो अभी आज़ाने आ रही हैं। और हमें रोज़ा खोलने के लिए फ्राइज भी दिखाओ, बिल्कुल डाल नहीं है, बस फ्राइज यहाँ पर पड़ी हुई है, दिखाओ सुंबल फ्राइज पड़ी है यहाँ पर। जामे शीरन किचन में रोज़ा खोलना पड़ेगा, टाइम हो गया है और अभी तक इफ्तार जो है वो तैयार नहीं है। तो गाइस इफ्तार का टाइम हो गया है, सर किचन में ही ये फ्राइज बना, तो गाइज ये इफ्तारी के बाद बन गया है और चिकन ब्रेड इतना प्यारा लग रहा है, इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हम इसकी कटिंग करेंगे, पहले टेस्ट में ही करूंगी। प्लेट फेयर्स प्लेट, यस ये देखिए, अब टेस्ट करके बताओ कैसा है। ओके तो गाइज अभी हम टेस्ट करते हैं, मजेदार। थैंक यू, मुझे दो। VIP जबरदस्त, टेस्ट लाइक अ यम्मी, और इतनी सॉफ्ट ब्रेड बनी है, इतनी सॉफ्ट ज्यादा ही। तो गाइस फ्राइज अभी तक नहीं बनी और ये व्लॉग यहीं पर खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। और सब्सक्राइब प्लीज करना, हमारे चैनल को भूलना मत, और ये अभी स्टार्ट हो जाएगी खाना।